हरिओम बंधुओं, आज जो कविता मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ, यह कविता मैंने दहेज प्रथा पर लिखा है और यह उस समय कविता आज के करीब 1990 में मैंने इस कविता को लिखा था। इस समाज में दहेज प्रथा जो है अपने चरम सीमा पर थी। आइए देखते हैं कविता का उद्देश्य क्या है। कह रहा है आज का जमाना, जीवन यदि अपने लड़की का है बचाना, तो शादी के पहले रुपया 50,000 लड़के वाले के यहाँ पहुँचाना। उनकी हस्ती कम हो भले पर हसरत उनका कम है नहीं। कहते हैं दोनों टाइम खाते, किसी बात का गम है नहीं। इधर शोहरत फैली बिरादरी में, लड़का भी बीए पास है और 50,000 की मांग किए हैं। यह इज्जत वाली बात है, क्योंकि उस जमाने में 50,000 रुपया ही बहुत बड़ा मायना रखता था। हर कोई सक्सेस नहीं था देने के लिए, इसलिए कि इधर शोहरत फैली बिरादरी में लड़का भी बीए पास है, 50,000 की मांग किए हैं। यह इज्जत वाली बात है। और लड़की वाला चिंतित होकर सोच रहा है, भाई अब पास में कौड़ी एक नहीं है, कैसे करूं सगाई? कहां मैं इतना रुपया पाऊं घड़ी मोटरसाइकिल टीवी? और देख के घर में हालत मेरा, मुझसे बोली बीबी कि खेत और खलिहान बेच कर दो बिटिया की शादी, भले गरीबी मुझे सताए पर होगी अच्छी शादी। शादी हुए दहेज दिए रह गया मोटरसाइकिल बाकी। तो किसी तरह जब बीता साल, मिली न मोटरसाइकिल हुआ बवाल। तो सास ससुर लड़का भी मिल करके मार मार करते बेहाल। तो माता पिता की बात समझकर दिल ही दिल बस रोती, आँखों से जो आंसू बहते थी वह मात पिता की मोती। लेकिन ये पैसे के प्यारे, इंसान को क्या ये जाने, पैसा इनका सब कुछ है, बस पैसा ही पहचाने। कि इधर पिताजी मोटरसाइकिल लेकर जाने के किए तैयारी, और उधर से कोई खबर किया कुछ, भीड़ जम गई भारी। कि थोड़ा देर में रोना चालू कर दिए माँ और बाबू, खबर सुने मरी जल कर बिटिया, रहा न दिल में काबू। तो जैत गरीबों का क्या होगा, शादी या बर्बादी, ऐसे दहेज वालों के घर में कभी न करना शादी। धन्यवाद।